भसक रहा है ना, बैठा दिया हम लोग को और जा रहा है दुकान में। बताइए गिर जाएंगे तो क्या ही करेंगे हम। कौन हम? एकदम बड़ा डब्बा वाला, 100 रुपीज वाला। सिर्फ गांधी के पीछे पागल है लड़के, देख लीजिए। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी दीवानी यही है, कहीं बापू मिले तो बता दीजिएगा, सिर्फ नोट चाहते रहते। मत करो, इधर वो गुस्सा आ रहा है एकदम से। ये इसने डबो क्या किया जाते समय, जानते हैं सब बात बताना तो नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन हमको बताना पड़ रहा आप सभी को कि क्या हुआ है। ए कृष्णा नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो। हाँ क्यों नहीं बताएंगे, इसका गुस्सा आएगा तो। अभी क्या है ना, सुबह से बोल रहा है, मोटा गर्दन जो है ना, इतना मोटा गर्दन, इसके वजह से हम डर जाते हैं, नहीं तो हम इसको कब का। बहुत चलाक हो, नहीं इतना सारा बर्तन क्लीन कर दिए कि चलो इसको थोड़ा रेस्ट होगा ठंड में, अब कपड़ा भी कर दे, ऑफिस नहीं जाए, यही सब करें। अरे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जानता के साथ लोग दाने कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी 1 जनवरी का शाम है, आप लोग एक ब्लॉग देख चुके कि हम लोग खाना वाना पकाए खाए। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अजीब है, नहीं ये सारा टाइम हमको ढूंढना पड़ता है। देखो देखो डोबो चला गया, देखो देखो डोबो क्या सूंघ रहा है, देखो 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 डोबो खुला है तो यही पे पगलाएगा। पहले उसका ब्लैंकेट हो ना, बाथरूम तरफ गिरा दो ना तो फाड़ देगा। तो हम लोग खाना पीना खाए तो आप सब देखे थे, तो उसके बाद साड़ी पहने तो तुम खोल दी, तो कहाँ से कहानी मत सुना, चल जल्दी। मेरी दोस्त वाला स्टॉल लगाई हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी फ्रेंड मेरे साथ है ना। बच्चा लोग है, और हमारे हस्बैंड जी है तो इसको जबरदस्ती बोले चलो चलो बाहर चलो, सब लोग घूमने जा रहा है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, तो ये बोलता है तुमको नहीं लाए घुमा के। मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोष मीमा, ठंड से इसका आवाज नहीं निकल रहा दोस्तों, दब गया है और ठंड से ज्यादा सदमे में है, क्योंकि हम इसको बोले बाहर जाएंगे तो हम खाएंगे। ऐसे शाम का टाइम है तो ज्यादा दूर तो जा नहीं रहे होंगे। अच्छा चादर तुम लिया था, हम लोग चादर 2 सप्ताह पहले ही दिए थे टेलर को सिलने के लिए। अभी नहीं होगा खुला, देख लेना खुला होगा तो ले लेंगे। ठंड बहुत है एकदम, बिल्कुल 5 बजे निकल रहे हैं हम लोग। गर्मी के दिनों में तो 6-7 बजे तक तो आदमी आराम से घूम फिर के आता है, लेकिन ठंड में तो बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। यहीं पे सिलाई सेंटर था यहाँ पे जो बंद है, तो हम लोग वापस यहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि ये आदमी ज्यादा तो लेके नहीं जाएगा, बहुत बदमाश है। देखिए पीछे कैसे अलाव ताप रहे हैं अंकल जी, भसक रहा है ना, बैठा दिया हम लोग को और जा रहा है दुकान में। बताइए गिर जाएंगे तो क्या ही करेंगे हम। कौन हम? एकदम बड़ा डब्बा वाला, 100 रुपीज वाला। आइसक्रीम खाने आया हम लोग, बहुत मन कर रहा था ठंडा ठंडा खाने का, तो सोचे कि इसको बोल के देखे कि चलो ना, थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा तो बोला अच्छा चलो एक राउंड लगा के लाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही सा सामने ही है, गाड़ी बाहर ही था तो आ गया, लेकिन समस्या है। बड़ा वाला पहले एक हमको चौको बार दिला दो, फिर कॉर्नेटो भी दिला देना। क्या लाई हो? कॉर्नेटो एक थो, दो थो। लेकिन हम तो और खाएंगे ना सगुन। अभी रुको ना, तो बाबू को छोटा वाला नहीं तो हम एकदम बड़ा डब्बा, वो जो खाता रहे वो कादर खान खाता ना, हीम क्रीम वो वाला खाने को। आज हमको वही खाने का मन कर रहा, बोलेंगे हीम क्रीम तो इतना सा नहीं खाएंगे हम, और लेंगे कुछ। बड़ा डब्बा नहीं है, बड़ा डब्बा नहीं है, हम इतना दो दो चीज तो, और मेरे को भी है। अरे यार 5 मिनट में गए और 5 मिनट में आ गए, ऐसा ही करता है। किसू के लिए जानते नहीं लिया, अब ये हम लोग वाला मांग रहा है, नहीं तो अब हम गए इतना दूर सब हम ही नहीं खा पाएंगे। हम ऐसा ही करता है एकदम से। क्या है हम तो क्या खाए, तू अपना फोन मेरा वाला है कि नहीं, तुम्हारा दो है को तू नहीं दे रहा है, वही वाला तो ले लिया, तो ये वाला खा लो। वो नहीं खाते हम, किसी सोया हुआ था, ये बोली भी नहीं इसके बारे में कि इसका भी हम बोलेंगे इसके बारे में तो बस चलो हो गया।
बोलने सुनने का। एक तो रविवार को कुछ खाइए पिए ने यहाँ से गए उठ के अब फिर लेके आ गया एकदम से। बस ये तुम्हारे लिए हमको 200 नोट दो। सिर्फ गांधी के पीछे पागल है लड़के। देख लीजिए महात्मा गांधी की सबसे बड़ी दीवानी यही है। कहीं बापू मिले तो बता दीजिएगा, सिर्फ नोट चाहती रहती। मत करो इधर को गुस्सा आ रहा है से। ये इसने डबो क्या किया जाते समय जानते हैं बाथरूम में खुला छोड़ के चला गया। पानी हमको चाहिए था बाहर में, पानी दिया, बाथरूम बंद नहीं किया। अभी आया तो देख रहे कि बाथरूम में जो गंदा कपड़ा था, चादर वादर सब डबो खोल के फेंक दिया निकाल के। और डोबो के पीछे हम लोग दया करते हैं, उसको दिन भर बांधते हैं ना, तो सोचते कि बेचारा भी है ना कितना बांध के रखे। खोल दिए अब वो गया, एक जो सबको तोड़ाता है बच्चा लोग को और हम लोग को भी तंग करता है। जाने से पहले सारा चीज अंदर करके जाना पड़ता है, एक एक चीज। दो इतना बड़ा आइसक्रीम नहीं खा बेटा, ठंडा आज ठंडा लग जाएगा, दीजिए हमको। हाँ नहीं यही वाला खाना, मैं आधा खा के दूंगी। जूठा करके और दे रहा है, देख रहे हैं अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो जूठा लग रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या लगा है? हम अपने प्रेम में भगवान राम ने भी सबरी की जूठे पर खा। कोई प्रेम और फ्रेम नहीं है, नफरत में बोलो, नफरत में खाएंगे। नफरत में खाओ सब, नफरत में खा जाएंगे। खाओ तू, खाओ ना, तुम्हारे लिए रख दूंगा। खाओ खाओ मेरे, खाओगे प्रीति? कितना इसको ठंडा खिलाओगी तबियत खराब? खाने दो ना, दवाई है ना खांसी वाला। देखे, सब बात बताना तो नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन हमको बताना पड़ रहा आप सभी को कि क्या हुआ है। ए कृष्णा नीचे उतरो, तू नीचे उतरो। हाँ क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताते हैं ना, हम बताएंगे, आप लोग मेरी फैमिली है। क्या होगा, क्या होगा, तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा इसको गुस्सा आएगा तो मेरा क्या कर लेगा? आप ही बताइए क्या कर लेगा, इसका गुस्सा आएगा तो। अभी क्या है ना, सुबह से बोल रहा है, मोटा गर्दन जो है ना, इतना मोटा गर्दन, इसके वजह से हम डर जाते हैं, नहीं तो हम इसको कब का सूटकेस में डाल चुके होते। मजाक कर रहा है, कुछ नहीं कर सकेगा। अरे बाबा हो गया कुछ नहीं हुआ है तो क्या परेशान। तो वो क्या है ना, सुबह से ये बोल रहा है ना हमको गोबर, सुबह से अभी बोले तो सुबह, तुम्हारा ही हम क्वालिटी बता रहे कि तुम्हारा नाक कितना तेज है। ये गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है, ये सब बात नहीं बताइए, बच्चों का बात नहीं बताना चाहिए। उधर है तो ये हमको दोपहर को बोला ना, मतलब जाने से पहले बोल रहा है कुछ गोबर जैसे स्मेल कर रहा है, गोबर है क्या, कहीं गोबर है क्या? और हमको सीरियसली अभी तक गंध नहीं आया, शायद हो सकता है मेरा नाक में कुछ हुआ होगा या वो, मतलब हजारीबाग का टूर हुआ है तो कंटिन्यू दो दिन रह गया डायपर में, ठीक है, कंटिन्यू रात में भी दिन में भी। तो इसका जो सेंस था ना कि टॉयलेट के वक्त में बोलना है, पोटी वक्त में बोलना है, तो ये ना समझ नहीं पा रहा है एक्चुअल में, और इसका ना पोटी पैंट में हो जा रहा है, तो हम यही बताना चाह रहे। तो यही इसको ही सेंस लगा और हम सोचे कि घुमा के ले आए, हमको पता ही नहीं चला। और जींस है और बाहर नहीं है और शायद ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसको क्या कि आजकल प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो वही कि सेंस नहीं हो जाता है बच्चा लोग का, थोड़ा सा पहले क्या कि प्रेशर आता था तो बताता था, अभी हो जाता है। और दिन में भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कभी कभी तो दो तीन पैंट में कर देता है, छोटा में पैंट में धोने में अच्छा लगता था, बड़ा हो गया इतना बच्चा, बड़ा का पैंट में कोई कैसे धोएगा? और अच्छा इसको बाथरूम भी कब बैठाई बताएगा तब ना, कभी पोटी लगा है, बहुत सारा परेशानी है। अब यही बोल रहे कि ये सब बात नहीं बताओ, मत तो बताओ, तुम्हारा क्या व्यूज बढ़ेगा? तो व्यूज के लिए नहीं बताते, मतलब आप सब बड़े हैं मेरे से तो कुछ तो सजेस्ट करिएगा ही। सब लोग बच्चे को बड़ा किए, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, सारे बच्चे करते हैं, इसमें क्या है? तो सुबह सुबह हमारे घर में बस इतना ही गनीमत है कि जो धूप है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट मेरे आंगन में आ जाता है और थोड़ी देर होगी तो वो मेरे सीधे डायरेक्ट रूम में हो जाएगी। दो से तीन घंटे कमरे तक रहता है दरवाजे तक धूप,
तो ठंड में ये लाभ है और गर्मी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो हम ब्रश कर लिए और सुबह सुबह वहाँ से पूरा दोनों रूम झाड़ू लगाते लगाते पूरा कैंपस में झाड़ू लगाया ना, मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे देता है और धीरे धीरे बैठ बैठ के लगाना पड़ता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे हस्बैंड की चलाकियाँ मास्क दिखाने वाले थे, मगर मेरा हस्बैंड थोड़ा मेरे चंगुल में, मतलब मेरे ये में नहीं पड़ा, षड्यंत्र में, और वो पहले ही कल का इतना जो चिकन उकन बना हुआ था ना, बड़ा बड़ा बर्तन था, कढ़ाई वढ़ाई सब लाया और धो दिया। हम उसको ऑप्शन देने वाले थे, तीन ऑप्शन था, सीमी तोड़ने बोलते, कपड़ा था और बर्तन था। चूंकि आज ज़्यादा काम नहीं है तो बर्तन वर्तन तो हम धो लेते, बर्तन और कपड़ा बाद में दोपहर के बाद सीमी तोड़वा लेते। लेकिन वो क्या किया, बर्तन धो दिया और सीमी तोड़ने का बारी आया तो बाहर जाके हेलो हेलो कर रहा है, तो उसको आवाज़ देते और बुलाते, सुनो अरे सीमी तो तोड़ो, रात के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चढ़ गया ऐसे ही बिना प्लास्टिक वगैरह लिए और पॉकेट में डाले जा रहा है। कहाँ चली जाती हो, इतना चिल्लाते नहीं सुनती बाबू, नहीं सुनती हो, जाओ पापा के लिए कुछ ला दो प्लास्टिक वगैरह। हाँ जाओ ना, हेल्प तो करती नहीं हो, बड़ी हो रही हो और बस खाली खेलना है सारा बच्चों को साथ। सब्जी वाले रैक पास होगा, जाओ दिखा इधर दिखा, इसका बेवकूफियत देखिए। हाँ आधा के जी सीम नहीं निकलेगा, बड़ा सा बोरा ले आई, रखो। तो उधर से लाया है आधा प्लास्टिक और इधर से लाएगा पता नहीं कितना। और ये चूल्हा कल हमको इतना धोखा दिया कि क्या ही बोले, कल का दिन मेरा बर्बाद कर। सर यहाँ पे हाथ लगा रिया है, लेकिन वहाँ पे दो गुथा कहा नहीं तोड़े बाबू, फूल के पास। हाँ नहीं है, इतना हो गया दोस्तों। और भी एक चढ़ रहा है वहाँ पे, देखा होगा कुछ, दिखा होगा, आराम से चढ़ना, बांस है, ठंड का समय है ना इसलिए डर लगता है, वरना ये तो पेड़ कुआं वहां सब जगह छलांग फलांग लगा देता है। बड़का दिलेर, दिलेर बता रहा खुद को, आप ही लोग बताइएगा तो ये दिलेरवा है कि नहीं है। हम जोर से बोलो ना, देख रहे हैं, कह रहा जो इसी पत्नी के साथ रह रहा है वो दिलेर नहीं है, सो बोलता है। बताइए हम क्या करते हैं, इसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, समय समय पे डोज देते हैं, और क्या ही कर सकते हैं बताइए। और आप लोग कहते हैं ना कि आपका पति बोलता नहीं है, बहुत बोलता है लेकिन इतना सब बोलता है माइनर से, तुम क्या करे, बहुत बदमाश है, बहुत देखने में भगवान इसको मुंह दिया एकदम शरीफ वाला, लेकिन शराफत का एस भी नहीं है इसके पास, देख रहे सर्कस में भर्ती हो गया है। चलो दम है तो ये रसिया में चल के दिखाओ तो पता लगा हमें, रसिया कैसे टूट जाएगा, तुम रसिया में एकदम अच्छा से चलो बैलेंस बना के। देखिए कितना सारे पॉकेट में छुपा के रखता है और लाया, और है ले जाओ रसोई में रख दो, सामान रखने आएगा ना तो भी पिन का आएंगे, ठीक है देखिएगा। तो तुम नहाने जा रहे क्या, नहाने लग गया, बर्तन नहीं धो दिया यार, नहीं कपड़ा 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 है, कपड़ा वो नहीं धो देगा, धो दो ना, लेट हो गया रे भैया, दुख भरे दिन, बहुत चलाक हो नहीं, इतना सारा बर्तन क्लीन कर दिए कि चलो इसको थोड़ा रेस्ट होगा ठंड में, अब कपड़ा भी कर दे, ऑफिस नहीं जाए, यही सब करें, धोबी घाट खोल ले। हम चलाक ही कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि आज बर्तन भी नहीं धो देगा, क्योंकि बर्तन बहुत सारा था, बस चले ना पति लोग से बस नहीं चलता है, जरूर चलता है, नहीं अभी बर्तन हम नहीं धोने का सोचे थे तो सरप्राइज था, क्योंकि बड़ा वाला कढ़ाई वढ़ाई हम नहीं धुलवाते हैं ये सब, लेकिन हम अंदर ही तो झाड़ू लगा रहे थे तब तक ही वो लाया, हम समेटे तब तक ही धो ही दिया, हम बस इसको आज सीमी तोड़वाते, मगर कोई नहीं बहुत अच्छा हो गया, बर्तन हम धोते धोते थक जाते, कपड़ा भी ढेर सारा है, बेडशीट वगैरह सब है, तो धोएंगे यहीं पे दोपहर में पानी भर के। तो चलिए दोस्तों पति से आज चलाकी करना महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि हम चलाकी नहीं कर रहे थे, चलाकी करते तो महंगा जरूर पड़ता, क्योंकि आज कपड़ा नहीं धोता, मत डालो ना पानी, इधर बच्चे लोग हैं। चलो बाय बोलो किसा गुण, बाय बोलो किसना, ये अरहर टूट गया एक दो को, वही तोड़ के इसका दाना निकाल रहा है, इसका ऑपरेशन कर रहा है, बेबी निकाल रहा है तभी से, अरे बप्पा हो देखे इतना सारा कपड़ा है, दुगो अपना वाला भी दे दिया, जींस और टी शर्ट शर्ट दे दिया, बाबू है
कौन सा बाबू? तुम कौन बाबू बता ना। पंछी बाबू है। पंछी है ये नया ने, कभी बोलेगा पलपल बाबू है, कभी बोलेगा पंछी बाबू है। पंछी बाबू है। बाय बाय, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ पंछी है तुम उड़ रहा है, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलो किसको? हैप्पी न्यू ईयर।